नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपना सिबिल स्कोर कैसे बना सकते हैं और अगर आपका कोई अच्छा सिबिल स्कोर है तो उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे और फॉलो करेंगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो हमेशा 800 प्लस ही रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि चैनल नया जरूर है लेकिन मनी रिलेटेड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिबिल की फुल फॉर्म क्या है। तो सिबिल की जो फुल फॉर्म है वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अब ये सिबिल स्कोर हमें क्यों इंप्रूव रखना चाहिए, क्यों ज्यादा हमें रखना चाहिए? तो सीधी सी बात है, आपका जो सिबिल स्कोर है वो जितना ज्यादा होगा, जितना बढ़िया होगा, उतना आप फ्यूचर में लोन ले पाएंगे, आपको आसानी रहेगी। सिबिल स्कोर की अगर रेंज की बात करें तो 300 से 900 तक होता है और 750 से 800 तक का जो सिबिल स्कोर है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर 750 प्लस आपका सिबिल स्कोर है तो आपको लोन मिलने में बहुत आसानी होती है और अगर आपका 800 प्लस सिबिल स्कोर है तो आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको लोन तुरंत मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात ये करेंगे कि भाई अगर आपने अभी तक कोई लोन नहीं लिया, कोई क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आप सिबिल स्कोर को कैसे बना सकते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि जो सिबिल स्कोर है उसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपका एक अच्छा सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है, वो कौन कौन सी मिस्टेक होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिबिल स्कोर एक्चुअली बनता कैसे। तो मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा दूं कि आप जो भी बैंक से क्रेडिट लेते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं या फिर लोन लेते हैं और उसका आप रीपेमेंट टाइम पे करते हैं तो आपका एक बिहेवियर हो जाता है कि भाई आप जो है लोन लेते हैं और टाइम पे इसको पे कर देते हैं, इससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो इंक्रीज होता रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने आज तक ना कोई क्रेडिट कार्ड लिया, ना कोई आपके पास कोई लोन है, कुछ भी नहीं है, तो आप सिबिल स्कोर कैसे बनाएंगे? दूसरी बात, अगर अभी तक आपने कुछ लिया ही नहीं, आपका कोई सिबिल स्कोर है ही नहीं, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही कैसे? ये सबसे पहला सवाल है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आज आप अवेयर हो गए आपको अपना सिबिल स्कोर बढ़ाना है अपने फ्यूचर के लिए, तो आपको सिबिल स्कोर बनाने के लिए सबसे पहले एक क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा और क्रेडिट कार्ड आपको बैंक इजीली नहीं देगा। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका ये है कि आप बैंक में अपनी एक एफडी करवा सकते हैं, 10,000 से ही स्टार्ट कर दे। अगर एफडी 10,000 करा ले, 20,000 करा ले, 50,000 करा ले और एफडी के अगेंस्ट आप एक क्रेडिट कार्ड इशू करवा सकते हैं आपके बैंक से। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो गया, अब आपके पास क्रेडिट कार्ड तो आ गया, अब जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे और टाइम पे पेमेंट करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर बनता चला जाएगा और बाद में जब आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा तब तो चाहे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें या लोन के लिए अप्लाई करें, आपको इजीली मिलता रहेगा। इसके अलावा एक और भी तरीका है, आजकल बहुत सारे कार्ड आपको बहुत सारे ऑफर ऐसे मिलेंगे जिसमें बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन आता है। तो अगर कोई इजीली आपको बाय नाउ पे लेटर पर बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी पेनल्टी, बिना किसी कुछ के, जितने रुपए का आपने प्रोडक्ट खरीदा है उतने ही पैसे अगर आपको जमा करने हैं तो आप बाय नाउ पे लेटर का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, आप कोई चीज बाय करेंगे बाद में पे करेंगे तो आपकी जो क्रेडिट बिहेवियर है वो इंप्रूव होगा और इससे भी आपका जो है क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होगी और आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ता रहेगा। मैं तो आपको ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपए बैंक में सपोज है और आपने 30,000 रुपए का कोई मोबाइल बाय करना है और वहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा है बाय नाउ पे लेटर, आपको 10,000 की 3 EMI भरनी है, कोई इंटरेस्ट एक्स्ट्रा नहीं देना है, तो आप बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन को चुन ले, क्योंकि देखो 30,000 आपका बैंक में पड़ा है, उसका इंटरेस्ट आपको मिला और यहाँ पे आपको 3 EMI में देना है, यहाँ इंटरेस्ट नहीं देना है, तो ये ऑप्शन भी अच्छा है, इससे भी आपका सिबिल स्कोर बन सकता है। कुल मिलाकर आपकी एक जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कम से कम एक स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट कार्ड तो आ गया, अब बात करेंगे कि इसको हम कैसे यूज करेंगे ताकि हमारा सिबिल स्कोर जो है बढ़ता रहे। तो सबसे पहले तो एक तरीका ये कि जब भी आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिलता है उसकी जितनी भी लिमिट है उसका 30% से कम लिमिट का ही आपको यूज करना है। मान लीजिए आपकी सपोज 1,00,000 रुपए लिमिट है एक महीने की क्रेडिट कार्ड की, तो आपको 30,000 रुपए से ज्यादा खर्चा उस क्रेडिट कार्ड से नहीं करना है उस महीने में। अगर आप 30% से ज्यादा खर्चा करते हो, चाहे भले बिल पेमेंट टाइम पे कर देते हो, फिर भी आप ये एक सही बिहेवियर नहीं है और इससे आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव नहीं होता। लेकिन अगर आप 30% से कम करते हो तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है। अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं, आपकी कमाई भी ज्यादा है, तो आप क्रेडिट कार्ड के लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हो। देखिए समझिए, 1,00,000 आपकी लिमिट थी, आपने 30% 30,000 रुपए खर्च किया, लेकिन आपका खर्चा 50,000 ज्यादा हो रहा है, तो आप उसकी लिमिट को 2,00,000 करवाइए, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 2,00,000 करवा लिया किसी भी तरीके से तो आप 60,000 भी खर्च करेंगे तो भी वो 30% से मतलब 30% ही रहेगा, या 50,000 करेंगे तो 30% से कम रहेगा, लेकिन 30% से ज्यादा लिमिट का कभी भी जो है यूज ना करें। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है, आप उसे यूज कर रहे हैं और आप एक और नया क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तो कभी भी जो पुराना क्रेडिट कार्ड है उसको क्लोज मत करवाइए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप बैंक को रिक्वेस्ट करके उसको फ्री करवा लीजिए लाइफ टाइम, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा ना लगे, बट क्लोज मत करवाइए, क्योंकि जितनी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पुरानी होगी
उतना ही आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। एक और बात, आप अपना सिबिल स्कोर बार बार खुद चेक ना कीजिए। अगर आप ऑनलाइन सिबिल स्कोर को बार बार चेक करते हैं तो इससे सिबिल स्कोर इंपैक्ट होता है और सिबिल स्कोर डाउन होने के चांस है, एक दो पॉइंट तो कम हो ही जाते हैं। तो बार बार आपको जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप सिबिल स्कोर चेक करें, अदरवाइज ना करें। इसके अलावा जब भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल आए तो उसको टाइम पर पेमेंट करें, क्योंकि अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो इंपैक्ट होगा और पेनल्टी तो अलग से लगेगी। तो आप अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से ही जो है उसका यूज करें क्रेडिट कार्ड का, जितना आप बिल पेमेंट कर सकते हैं टाइम पे पेमेंट करना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप 5-6 महीने भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे नहीं करते पे, तो पता है आपको बहुत, मतलब 4-5 सालों तक भी आपके जो लोन है उसमें सिबिल स्कोर इंपैक्ट रहेगा, तो उसमें दिक्कत आती है। तो आप टाइम पे पेमेंट करें, और पेमेंट करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको बहुत सारी जगह ऐसे मिलेंगे जहां पे लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं और भाई फिर पे ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई हमें पे नहीं करना, देखते बैंक क्या करेगी, बदमाशी टाइप में होते हैं। लेकिन आपको पता है ऐसे बहुत सारे इंडिया में पिन कोड है, उन पिन कोड पर क्रेडिट कार्ड बैंक जारी ही नहीं करता, क्योंकि वहां पे इस तरह के लोग रहते हैं। तो आपको पेमेंट करना बहुत जरूरी है। आप ये मत समझे कि पेमेंट नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में आपका सिबिल स्कोर इंपैक्ट होगा, फिर आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, जब क्रेडिट कार्ड की बात चली रही है तो क्रेडिट कार्ड जब भी आप चूज करें तो कोशिश करें कि उस पर कोई ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस वगैरह ना हो, तो इससे क्या आपको पेनल्टी कोई फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करें तो आप मिनिमम पेमेंट पे नहीं करें, हमेशा फुल पेमेंट पे करें, इससे आपका सिबिल स्कोर सही रहेगा। इसके अलावा आप कम समय में बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर किसी लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए बार बार अप्लाई करते हैं अलग अलग बैंकों में, अलग अलग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो सिबिल स्कोर है वो बार बार चेक करने पर भी इम्पैक्ट होता है। तो जब बार बार आप अप्लाई करोगे, मान लो आपने 5 जगह लोन अप्लाई कर दिया, 4 जगह क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, तो वो जो क्रेडिट कार्ड आपको दे रहा है, जो लोन आपको दे रहा है, वो आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा, और बार बार चेक होगा तो वो इम्पैक्ट होगा। तो आप सोच समझ के आपको जरूरत हो तभी आप लोन के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज लोन के लिए अप्लाई ना करें। इसके अलावा दो तरह के डेट होते हैं, जो कर्जे होते हैं, जो डेट होते हैं, दो तरह के होते हैं, होता है अनसिक्योर्ड डेट, एक होता है सिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट होता है क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन। तो आप अपनी जो आपकी लिमिट है उससे ज्यादा, मतलब जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखें और ना ही पर्सनल लोन रखें, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड डेट है। वैसे भी कंपनीज हिचकिचाती है किसी को अनसिक्योर्ड डेट देने से, कि किसी को ज्यादा क्रेडिट कार्ड दे या पर्सनल लोन, ये जितना हो सके कम रखें। और जो सिक्योर डेट है, जैसे होम लोन हो गया, ये एक सिक्योर डेट है, कार लोन एक सिक्योर डेट है, ये जरूर रखें। अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपका सिबिल स्कोर बनेगा नहीं। मतलब कुल मिला के जो सिक्योर डेट है, कार लोन, होम लोन, ये लेंगे ही नहीं आप तो आपका सिबिल स्कोर नहीं बनेगा। और अगर आप अनसिक्योर लोन ज्यादा लेंगे तो भी आपका सिबिल स्कोर इंपैक्ट होगा। अब यहाँ पे आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे लोन ले सकते हैं, छोटे छोटे आप लोन ले लीजिए। बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, जब आप प्रोडक्ट वगैरह बाय करते हैं तो आपको बहुत सारे लोन मिल जाते हैं कि आप इजी एमआई में दे देना, कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको नहीं लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लग रहा है, इजी एमआई पे आपको मिल रहा है, तो आप ईएमआई पे ले ले और फिर उसका पेमेंट कर दे। तो आप छोटे छोटे लोन लेंगे और फिर आप पे करेंगे तो आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि ये बंदा क्रेडिट लेता है और टाइम पे पेमेंट कर देता है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। और हाँ, लोन का जो रीपेमेंट है वो बिल्कुल टाइम पे करना है, उसको ड्यू नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको टाइम पे नहीं करते तो पेनल्टी वगैरह लगती है, इंटरेस्ट लगता है, तो अलग चीज है, बल्कि आपका सिबिल स्कोर भी जो है इंपैक्ट होता है। इसके अलावा एक चीज और है जो लोगों को शायद पता नहीं, पता है या नहीं है, कई बार हम लोन में गारंटर बन जाते हैं किसी के, भाई ये जो लोन है इसका मैं गारंटर हूं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो मेन बोरोवर है, जिसने लोन लिया है, अगर वो लोन का रीपेमेंट टाइम पे नहीं करता तो गारंटर की एक जिम्मेदारी होती है कि भाई वो पेमेंट करे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार गारंटर का जो सिबिल स्कोर है वो भी डाउन हो जाता है। तो कभी भी ऐसे मत सोचे कि ठीक है लोन में गारंटर तो बनना है, कुछ होगा नहीं, आपका सिबिल स्कोर इंपैक्ट होगा। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा और 800 प्लस रहेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 800 प्लस रहेगा, फिर आप फ्यूचर में कभी भी किसी के पास भी लोन के लिए जाओगे आपको इजीली लोन मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो में आपको सब चीज बता दी, सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल की फुल फॉर्म क्या है, कैसे ये डाउन होता है, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है और किस तरीके से हम इसको जो है बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मनी रिलेटेड कॉन्टेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।